गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम जो मे मंथ है उसमें जो विजन आईएएस की मैगजीन आई हुई है उसको कवर कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हमने पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं गाइस, आज का जो सेशन है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम करने वाले हैं इकोनॉमी को कवर। इकोनॉमी से जैसा कि हमने देखा ही, अभी तक हम जितना भी PYQ सॉल्व करे हैं उन सब में हमें पता चला है कि इकोनॉमी में जो कंसेप्ट आते वो तो आते ही हैं, और कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट करंट अफेयर से भी रिलेटेड पूछा ही जाता है, और उसी वजह से हम उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते। तो क्यों ना ऐसा करें कि इकोनॉमी में करंट अफेयर्स को भी हम ऑलरेडी सारे कंप्लीट करते हुए चलें। इसी सोच के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, चलो वो तो हम देखते ही रहेंगे। जिसमें सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, सबसे पहले टॉपिक हमारा है कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो ये कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। तो अभी हुआ ये है कि हमारे केंद्र सरकार है उसने क्या किया है, हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्रोविजन जो हैं कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के वो नोटिफाई किए हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, मतलब हमारी सरकार ने कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002 को करा है अमेंड, और कई सारे अमेंडमेंट्स लेकर नया प्रोविजन ऐड करके हमारा लेकर आए हैं कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। अच्छा जी, ये तो बात सही है, लेकिन अमेंडमेंट किस में हुए हैं? अमेंडमेंट हुए हैं कंपटीशन एक्ट 2002 में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंपटीशन एक्ट 2002 क्या था। जब हमें ये पता होगा तभी तो हम जान पाएंगे कि अच्छा अमेंडमेंट क्या चीज़ हुई है और किस चीज़ में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं। चलो, तो कंपटीशन एक्ट 2002 की बात करें तो कंपटीशन एक्ट 2002 ने रिप्लेस किया था किसको, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसको हम MRTP एक्ट भी बोलते हैं। तो MRTP एक्ट जो 1969 का था उसको रिप्लेस किसने किया, कंपटीशन एक्ट 2002 ने। कंपटीशन एक्ट 2002 ही वो एक्ट है जिससे क्या हुआ है कि हमारे जो कंपटीशन कमीशन है इंडिया की वो एस्टैब्लिश हुई है। कंपटीशन कमीशन का बहुत बार हम नाम सुनते ही रहते हैं, कई बार अगर न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नाम आ ही जाता है, कभी किसी डिबेट में इसका नाम आ जाता है तो कभी इसके द्वारा दिए गए कुछ गाइडलाइंस आ जाती हैं चर्चा में। तो ये कंपटीशन का जो कमीशन है ये आई है हमारी कंपटीशन एक्ट 2002 से। अब ये एक्ट जो है, एक्ट कहता है कि कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, कॉर्पोरेट अब्यूज, अगर डोमिनेंट पोजीशन है उसकी, हमें जो हमारी डोमिनेंट पोजीशन है उसकी अब्यूज नहीं करना है, उसका हम मिसयूज नहीं करेंगे, कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की हरकतें जो हैं करना इसमें मना किया गया है, मतलब कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे जो कॉम्पिटिटिवनेस है उस पर गलत इम्पैक्ट पड़े। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमने देखा 2023 का एक एक्ट आया है, मतलब अमेंडमेंट होकर आया है। तो अब इसमें क्या क्या अमेंड किया गया है, तो इसमें जो है डेफिनेशंस को अमेंड कर दिया गया है। कौन कौन सी डेफिनेशंस को अमेंड किया गया है, सबसे पहली बात है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी अमेंड की गई है। हमारा जो अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, इसने क्या कहा है, इसने कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को और ब्रॉड बनाया है। ठीक है, इसमें वो सारे ट्रांजेक्शन्स जिनकी वैल्यू 2000 करोड़ से ज़्यादा की है वो कॉम्बिनेशन में आएंगे, मतलब कहीं पर मर्जर हो, एक्विजिशन हो, अमालगमेशन हो, कुछ भी हो, अगर वैल्यू 2000 करोड़ से ज़्यादा है तो वो सब कॉम्बिनेशन में आएंगे। आपको भी ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है भाई। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो टाइम लिमिट है कॉम्बिनेशन के लिए, जो अप्रूवल चाहिए उसमें जो टाइम लिमिट हमारी थी उसको कम कर दिया गया है। पहले टाइम लिमिट थी 210 दिन, ठीक है, अब इन्होंने कहा 210 दिन तो बहुत टाइम है, ऐसा करते थोड़ा कम कर देते हैं। अब दिन कितने हैं, 150, तो सिर्फ 150 दिन में क्या है, अप्रूवल मिल जाएगा कॉम्बिनेशन के लिए। जो हमारी कंपटीशन कमीशन है, अब उसको क्या करना है, अपनी प्राइमा फेसी ओपिनियन देनी है किसी कॉम्बिनेशन पे विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर उसको क्या करना, ओपिनियन देना है किसी कॉम्बिनेशन पर, अदरवाइज जो कॉम्बिनेशन है वो हम अप्रूव्ड मान लेंगे। 30 दिनों के अंदर जो हमारी कंपटीशन कमीशन है उसने क्या किया, अगर उसने अपनी ओपिनियन नहीं दी तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये क्या हो गया है, हमें कॉम्बिनेशन का अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है, स्टेटमेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़, ये टॉपिक थोड़ा
इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, डेफिनेशंस जो है कंट्रोल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, इसकी डेफिनेशन में भी अमेंडमेंट किए गए हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा जो अमेंडमेंट एक्ट है वो बता रहा है, उसने जो डेफिनेशन है कंट्रोल की इसको मॉडिफाई करा है और क्या कहा है कि कंट्रोल की डेफिनेशन ये है, क्या है कि मटेरियल इन्फ्लुएंस हम कर पा रहे हैं मैनेजमेंट पर, अफेयर्स पर या स्ट्रैटेजिक कॉमर्शियल डिसीजन पर, किसी भी हमारी जो कंपनी है किसी भी एंटरप्राइज के क्या कर पा रहे हैं, अगर हम उसके मैनेजमेंट पर अपना इन्फ्लुएंस जमा पा रहे हैं, उसके अफेयर्स जो है कंपनी के जो अफेयर्स है उसको हम मैनेज कर पा रहे हैं, या फिर उसके जो स्ट्रैटेजिक कॉमर्शियल डिसीजन हैं उनमें भी हमारा कुछ इन्फ्लुएंस अगर है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा कंट्रोल है उस एंटरप्राइज पर। अब जो स्कोप है कार्टेल्स का उसको भी हमने और वाइड किया है, उसको भी एक्सपैंड किया है। अब कार्टेल्स में हब एंड स्पोक अरेंजमेंट भी इंक्लूड होंगे, वो कंपनीज जो कि आइडेंटिकल या सिमिलर बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर रही हैं अब वो भी हेल्ड हो जाएंगी एंटी कॉम्पिटिटिव हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में, कार्टेलाइजेशन में। जहाँ पर क्या हो रहा है वो अगर पार्टिसिपेट करती हैं या उनका इंटेंशन है कि वो पार्टिसिपेट करेंगी ऐसे एग्रीमेंट को फैसिलिटेट करने में। देखो यहाँ पर क्या बात करी गई है समझो, कुछ कंपनीज होती हैं जैसे कि हम मानते हैं कोई ज्वेलर्स हैं, ठीक है, कुछ ज्वेलर्स हैं, तो यहाँ पर कितने 3 ज्वेलर्स हैं, ये ज्वेलरी बेचते हैं, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी बेचते हैं सपोज करो। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा, अब ये सपोज करो कि ये 30,000 में बेच रहा है, ये 40,000 में बेच रहा है और ये 50,000 में बेच रहा है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम तीनों कंबाइंड हो जा रहे हैं, हम लोग अपना ग्रुप बना ले रहे हैं और इससे होगा ये कि हम जो हैं अब गोल्ड को 60,000 में बेचेंगे तीनों की तीनों। अब क्या होगा, तीनों जगह पर 60,000 में अगर गोल्ड बिकेगा तो यहाँ पर कोई भी हमारा कस्टमर जो है वो चाहे कहीं से खरीदे वो 60,000 में ही खरीदेगा। इस वजह से क्या होगा कि हम सबको फ़ायदा हो जाएगा, ये उन्होंने अरेंजमेंट कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेलाइजेशन कर लिया, मतलब उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है, मोनोपोली जमा लिया है, पर कहीं पर भी हमें खरीदना है वो 60,000 का ही क्या मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है। तो इनका क्या बन गया, एक कार्टेल बन गया है, इनका एक अरेंजमेंट बन गया, एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। तो ये तो हो गए सिमिलर बिजनेस की। तो पहले जो सिमिलर बिजनेस होते थे वो अगर ग्रुपिंग करते थे तो हम उनको कार्टेल्स बोलते थे, बट अब क्या हुआ है, अब इस एक्ट में बोला गया है कि अगर सिमिलर बिजनेस नहीं भी है ना लेकिन तीनों अगर अपना ग्रुप बना रहे हैं, अब मान लो ये गोल्ड की ज्वेलरी बेचता था, ये कोई गारमेंट्स बेचता था, ठीक है, ये क्लोथ्स बेचता था और ये फुटवेयर बेचता था, लेकिन इन तीनों ने ग्रुप बना लिया, ठीक है, और इन्होंने कहा कि इतने से कम में हम कोई सामान नहीं बेचेंगे, इस तरीके का अगर इन्होंने ग्रुप बनाया तो इसको भी हम कार्टेल बोलेंगे, इस एक्ट में ये बोला गया है, ठीक है। इतना समझ आया, डेफिनेशन समझ आई, हाँ जी। अब हम बात करते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल की और पेनाल्टी प्रोविजन क्या है। भाई अगर किसी को कोई ग्रीवांस हो गया है तो कैसे उसको रिड्रेस किया जाएगा और साथ ही साथ में पेनाल्टी के क्या प्रोविजंस रहेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड, जो हम अगर अपनी इन्फॉर्मेशन को फाइल करना चाहते हैं उसका पीरियड जो है वो क्या है, 3 साल कर दिया गया है। जो कंप्लेंट है किसी भी एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट की, हमें अगर कंप्लेंट करनी है किसी ने एक एंटी कॉम्पिटिटिव काम कर दिया है, हमें लग रहा है कि नहीं ये तो कंपटीशन के विरुद्ध जा रहा है, ठीक है, तो हमें उसके अगेंस्ट में अगर फाइल करनी है तो 3 सालों के अंदर हमें ये फाइल कर देनी है। जिस दिन ये हरकत की गई है उसके 3 साल के अंदर अंदर हमें वो केस फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर डिलेज होती हैं तो उसको कॉन्डन किया जाएगा, किसके द्वारा, हमारी CCI के द्वारा। पेनाल्टीज भी बढ़ा दी गई हैं, ठीक है, पेनाल्टीज भी बढ़ा दी गई हैं अगर हमने झूठी शिकायत कर दी, ठीक है, हमने क्या करी, झूठी शिकायत कर दी, कोई पर्सन जो है एंटी कॉम्पिटिटिव काम कर ही नहीं रहा बट हमने अपनी किसी भी गलती से उसकी झूठी शिकायत कर दी है, तो पेनाल्टी कितनी है, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की पेनाल्टी यहाँ पर होगी, ठीक है। पेनाल्टी जो है वो ग्लोबल टर्नओवर पर वेस्ट होगी। जो पेनाल्टी है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के लिए, किसी ने अगर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया है तो यहाँ पर जो पेनाल्टी है वो किसी लगेगी, ग्लोबल टर्नओवर के बेसिस पर, ठीक है, उस एंटरप्राइज ने कितना टर्नओवर कहाँ कहाँ से कमाया है उस बेसिस पर उसकी पेनाल्टी लगेगी। ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कंपाउंडिंग जो है किसी भी ऑफेंस की उसका भी एक प्रोविजन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर क्या है, इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। कंपाउंडिंग इन ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, उसने वो क्राइम किया है और उस वजह से क्या हुआ है कि उस वजह से वो क्राइम जो किया है उसका बदले में वो क्या कर रहा है, कंपेंसेशन दे रहा है एक्यूज्ड के लिए। ना केवल मॉनेटरी नेचर में हो सकता है, अगर वो किसी और नेचर में भी कंपेंसेशन देता है तो यहाँ पर क्या है कि वो पर्सन जो है
उसको जेल नहीं होगी। फिर लीनियंसी रिजीम, जहाँ पर एक पार्टी जो है वो कार्टेल बना रही है, ठीक है, कार्टेल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और वो जो उसने क्या करा है, ट्रू और वाइटल जो डिस्क्लोजर है वो उसने प्रोवाइड किया है, ठीक है, प्रोवाइड किया है, तो सीसीआई क्या है, एडिशनल लेसर पेनाल्टी भी उसको दे सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि उसने क्या किया है, एक दो कार्टेल्स हैं तो यहाँ पर एक की यहाँ पर क्या हो रही है, अगर रिसर्च हो रही है तो दूसरी की रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है और इसने वो सारे चीज़ें जो डिस्क्लोज कर दी हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, बिल्कुल सच और वाइटल डिस्क्लोजर दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी जांच करने में मदद मिली है, तो इस चीज़ को, इस वाली जो कार्टेल है इसको लेस पेनाल्टी मिलेगी। नेक्स्ट है डिक्रिमिनलाइज कर दिया है कुछ ऑफेंसेस को, ठीक है, तो नेचर जो है पनिशमेंट का वो हमने चेंज कर दिया है। अब पहले क्या होता था, पहले फाइंस लगते थे, अब पेनाल्टीज मिलेंगी। ठीक है, अब ऐसे ऑफेंसेस जैसे कि हमने क्या किया, जो ऑर्डर्स है सीसीआई के वो कंप्लाई नहीं किए हैं, जो डीजी हैं उन्होंने जो डायरेक्शन दिए वो हमने कंप्लाई नहीं किए, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, पेनाल्टी जो है मिलेगी। अब फाइन की जगह क्या हो गया है, पेनाल्टी हो गई है। अब बहुत देर से हम सीसीआई कर रहे हैं, तो सीसीआई के बारे में समझते हैं कि आखिर ये सीसीआई है क्या। सीसीआई की बात करें तो यह है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस एक्ट से आई है, हम सबको पता है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से ये बॉडी बनी है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अच्छा, इसकी ड्यूटी क्या है, ड्यूटी ये है कि पहला काम तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो कॉम्पिटिशन के विरुद्ध हो रही हैं उनको एलिमिनेट करना है, कॉम्पिटिशन को सस्टेन करके रखना है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाना है और ट्रेड जो है उसकी फ्रीडम भी मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर ये आती है। मेंबर्स की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मेंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं। अपॉइंट कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो 5 साल तक का टर्म हो सकता है या फिर उनकी एज 65 साल हो जाए, जो भी अर्लियर हो जाएगा वो यहाँ पर उनका टेन्योर रहेगा। याद ये रखना है कि ये जो भी मेंबर हैं, चेयरपर्सन हैं, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो दूसरा प्रोविजंस क्या है, और प्रोविजंस की बात करें तो सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म, तो इसके, इस एक्ट के अंडर जो सीसीआई है वो इनिशिएट कर सकता है प्रोसीडिंग्स अंडर अगेंस्ट एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, एंटरप्राइज के अगेंस्ट में वो अपनी जो प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट कर सकता है। किस ग्राउंड पर, कि वो जो आपके एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स में एंटर किया है। सीसीए परमिट करता है सीसीआई को, मतलब ये एक्ट जो है वो सीसीआई को परमिट करता है कि वो इंक्वायरी को क्लोज भी कर सकते हैं अगर एंटरप्राइज ने सेटलमेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है, या फिर कमिटमेंट प्रोवाइड किए हैं, मतलब उसने कहा है कि जो हमारा एंटरप्राइज है उसने कहा है कि ठीक है कोई बात नहीं है कि हमने ये गलती की है, इसके बदले हम आपको ये फाइन दे देंगे, या फिर वो बोले कि ऐसा है हमसे गलती हो गई, लाइफ में कभी दोबारा गलती नहीं होगी, तो जो भी वहाँ पर सिचुएशन होगी उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी हमारा केस है वो ख़त्म भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपन ऑफर परचेज ऑफ शेयर्स, तो सीसीए जो है परमिट करता है कि हम एक ओपन ऑफर या फिर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स जो है सिक्योरिटीज़ हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो सकता है, ओपन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, लेकिन जो एक्वायर है, जो वो उन शेयर्स को एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है, उसको अलाउ किया जाएगा कि वो शेयर्स को एक्वायर तो कर ले, लेकिन वो उस पर ओनरशिप जो है, या बेनिफिशियल राइट्स है, या वोटिंग राइट्स है, या फिर डिविडेंड्स है रिसीव करना, ये सब जो है इनको लेने से पहले उसको सीसीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ओनरशिप वगैरह नहीं कर सकता जब तक कि सीसीआई ने अप्रूव ना किया हो। अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी की बात करें तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो डीजी हैं वो अपॉइंट होंगे सीसीआई के द्वारा, ठीक है, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब ये अमेंडमेंट्स लेकर हम आए हैं, लेकिन इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, भाई क्या ज़रूरत पड़ गई थी हम लेकर आए हैं, और लेकर आए हैं तो इससे होगा क्या, तो अप्रूवल्स जो है बहुत ही स्पीडी हो जाएंगे, ठीक है, कंपटीशन बहुत फेयर हो जाएगा, प्रायोरिटीज हाई कर दी गई हैं, जुरिसडिक्शन बढ़ा दिया गया है, रिजोल्यूशन भी फास्ट हो जाएगा, तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंस है। कंसर्न्स क्या हैं इस एक्ट के रिगार्डिंग, ये भी चलो देख लेते हैं। तो एम्बिग्यूटी बनी हुई है कुछ कंसेप्ट्स, जैसे कि मटेरियल इन्फ्लुएंस है, ट्रांजेक्शन वैल्यू है, तो ये कंसेप्ट जो है ये इसमें हम किस चीज़ को कितना मानेंगे ये चीज़ इसमें डिफाइंड
नहीं है। बर्डन जो है पार्टीज में और बढ़ गए हैं क्योंकि उनको डिटेल्ड इंगेजमेंट करनी पड़ेगी सीसीआई के साथ में। कंसिडरेबल टाइम प्रेशर जो है वो पार्टीज पर और सीसीआई पर भी पड़ रहा है, और साथ ही साथ में बहुत सारे एडिशनल ट्रांजेक्शन जो है वो भी होने लगेंगे क्योंकि थ्रेशोल्ड काफ़ी कम कर दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीवोर। ठीक है, लीवोर हमने बहुत बार इसका नाम सुना है, बट क्या होता है ये लीवोर? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। फिलहाल पता है या ना पता है, हम इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये लीवोर। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है ये जानते हैं। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि हमारे RBI जो है उसने एडवाइजरी इशू की है। किसको? हमारी बैंक्स को, या फिर जो RBI रेगुलेटेड एंटिटीज़ होती हैं उनको एक एडवाइजरी नोटिस की गई है, इशू की गई है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। RBI ने कहा है कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि हम कम्प्लीटली लीवोर से खुद को अलग कर पाए, लीवोर से अब हम ट्रांजिशन कर पाए। ठीक है, 1 जुलाई से लीवोर से 1 जुलाई तक हमें क्या करना है? लीवोर से खुद को ट्रांजिट कर लेना है। इसलिए क्या कहा गया है, RBI ने कुछ एडवाइजरी इशू करी है बैंक्स और RBI रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए। अच्छा, लीवोर और जो MIFOR है, ठीक है, ये फेज्ड आउट हो जाएंगे 30 जून तक। तो लीवोर और जो MIFOR है ये अब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए लीवोर से हम ट्रांजिशन खुद की कर रहे हैं। तो लीवोर है, लीवोर की फुल फॉर्म है हमारी लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, और MIFOR है मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। इनको फेज आउट कर दिया जाएगा 30 जून तक। MIFOR क्या है? MIFOR हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है जो कि पब्लिश किया जाता है हमारी फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अब जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एडवाइस किया गया है कि वो अब इंश्योर करें कि कोई भी नया ट्रांजैक्शन जो वो कर रहे हैं या कस्टमर्स के द्वारा किया जा रहा है वो लीवोर या MIFOR के को यूज़ करते हुए प्राइस नहीं किया जाएगा। उसकी प्राइस जो है लीवोर या MIFOR के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होगी। तो ग्लोबल ट्रांजिशन हो रहा है, ना केवल इंडिया बल्कि ग्लोबली सारी कंट्रीज़ लीवोर से ट्रांजिशन कर रही हैं। अब ये इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि जो ब्रिटिश फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि 2017 में लीवोर से फेज आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं जो कि फॉल्स डेटा प्रोवाइड कर देती हैं और इस वजह से जो लीवोर है वो मैनिपुलेट हो जा रहा है। तो बहुत बड़ी बड़ी जो बैंक्स हैं वो क्या कर रही हैं, लीवोर को मैनिपुलेट कर पा रही हैं। जहाँ पर मैनिपुलेशन होगी तो वहाँ पर वो क्या कर पा रही हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ही उस रेट को फिक्स कर पा रही हैं, जिस वजह से हम सबके लिए ये लीवोर अब जो है ठीक नहीं रहा। क्योंकि वहाँ पर किसी और बैंक्स का क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, वो वहाँ पर उस रेट को मैनिपुलेट कर पा रही है। मैनिपुलेट कर पा रही है मींस जो रेट है अब वो क्या हो गया है, अब उसमें दूसरों की छेड़छाड़ हो गई है। मतलब रेट अब रेट नहीं रहा है, रेट एक पॉलिटिक्स की तरह उसका यूज़ किया जा रहा है। रेट हमारा जो रहा, लीवोर जो रहा, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा। तो क्यों ना, तो हम उसका यूज़ करेंगे ही क्यों, उससे हम फेज आउट कर लेंगे। यही इसीलिए इसी रीजन से हम इसको फेज आउट कर रहे हैं। अब लीवोर से जो ग्लोबल ट्रांजिशन है इसकी ज़रूरत क्यों थी, तो बैंक्स का रिलायंस, बैंक्स पर रिलायंस हो रहा, बहुत भरोसा किया जा रहा है। सेंट्रल फ्लो ये मैकेनिज्म ये है कि ये जो सेंट्रल बैंक है वो ज़्यादातर हैवीली बैंक्स पर रिलाई करती है कि बैंक्स जो वो ऑनेस्ट रहेंगे रिपोर्टिंग करने के लिए। ठीक है, फिर मैनिपुलेशन हो रहा, हमने देखा ही कि लीवोर का मैनिपुलेशन हो रहा है। बड़ी बड़ी बैंक्स जो हैं लीवोर के रेट को मैनिपुलेट कर रही हैं अपने प्रॉफिट के लिए। 2008 में का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसमें भी लीवोर का कहीं ना कहीं रोल हमने देखने को मिला है कि हमने यूज़ किया है और ओवर यूज़ किया है, अब यूज़ किया है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स का, जिस वजह से 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। और जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट जो स्वैप्स हैं वो लीवोर को यूज़ करती थी। अब अगर हम और ज़्यादा, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा ट्रांजिशन हम करेंगे तो इंडिया को और भी बेनिफिट मिलेगा। क्या क्या? कि हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि रेफरेंस रेट जो है वो फॉरवर्ड हो जाएंगे, उनकी कैलकुलेशन जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अभी तक जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वो ट्रांसपेरेंसी अब आ जाएगी। फिर क्या है, बोरोइंग कॉस्ट जो हमारी है वो भी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, लेंडर और इन्वेस्टर जो हैं उनको लोअर इंटरेस्ट रेट जो है वो चाहिए होगा, सिर्फ लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जिस वजह से बोरोइंग कॉस्ट जो है बोरोअर्स की
कम हो जाएगी, क्योंकि लीवर प्रीमियम जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और इससे फिर बेनिफिट मिलेगा बॉरोअर्स के लिए। कंपटीशन और ज़्यादा हो जाएगा, अल्टरनेट रेफरेंस रेट जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे जो कि और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे मार्केट्स में, ठीक है। अब इंडिया का ट्रांजिशन सिनारियों को अगर हम देखें तो एक्सपोजर देखें लीवर का, तो अब यहाँ क्या है, तो एक्सपोजर जो है लीवर का वो कहाँ से होता है, लीवर का यूज़ कहाँ हो रहा है, लोन कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो लोन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जो लीवर से लिंक्ड हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट जो हैं डिपॉजिट्स ये भी लीवर से लिंक्ड हैं, तो यहाँ पर लीवर का यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स की बात करें तो RBI ने इस्टेब्लिश किया है एक सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट जो कि अलाउ करता है बैंक को कि वो अपना जो रेट है वो एक बास्केट ऑफ करेंसीज से चूज़ करेगा, ना कि ब्रिटिश पाउंड से इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए। RBI ने ये भी कहा कि जो MIFOR है वो जो है सिग्निफिकेंट बेंचमार्क हो सकता है जिसको एडमिशन किया जाएगा FVIL के द्वारा, ठीक है। फॉलबैक क्लॉज क्या है, RBI ने कहा है कि फॉलबैक क्लॉज का भी यूज़ होना चाहिए जो कि क्या करेगा कि फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगेसी में रखेगा, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं इस ट्रांजिशन में कि हम लीवर से हट रहे हैं MIFOR से हट रहे हैं, तो इसके चैलेंजेस क्या हैं, सबसे पहली बात चीज़ कि हमें कोई अल्टरनेटिव तो हमें रेट चाहिए होगा ना, लीवर अगर हम ख़त्म कर रहे हैं तो लीवर का रोल अब कौन सा रेट निभाएगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेसिंग फॉलबैक, जो फॉलबैक होगी अब जैसे बास्केट ऑफ करेंसी है वो वाइड हो जाएगी तो बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या करना होगा, सूटेबिलिटी ऑफ ARR देखनी पड़ेगी, उन्हें देखना पड़ेगा कौन सा रेट जो है वो सूटेबल रहेगा जिससे कि कॉन्ट्रेक्चुअल फॉलबैक ना हो। फिर है इन्वेस्टमेंट इन ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन हो रहा है लीवर से में चाहिए कि हमें एडजस्टमेंट करना होगा इंटरनल सिस्टम में भी, प्रोसेस में भी, मॉडल में, और इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चेंज करनी है और हमारे जो इक्विपमेंट है वो भी चेंज करने पड़ेंगे, लोगों की स्किल चेंज करनी पड़ेगी और इस सब में लगेगा पैसा, ठीक है। लिक्विडिटी चैलेंज, ठीक है, अब यहाँ पर ARR को इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं तो इससे चैलेंज जो है वो आ रहा है मार्केट लिक्विडिटी पर भी। अब हम देखते हैं लीवर को और ज़्यादा डिटेल में, तो बेंचमार्क रेट है लीवर क्या है, ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पर ग्लोबल बैंक्स हैं वो एक दूसरे को लोन देती हैं इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट में। शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बैंक्स आपस में लोन प्रोवाइड करती हैं वो लीवर के बेसिस पर देती हैं। 2014 से पहले लीवर को एडमिनिस्टर किया जाता था ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन के द्वारा, बाद में इसको जो है UK फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के द्वारा क्या करने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे। कैलकुलेशन की बात करें तो 31 दिसंबर 2021 से पहले लीवर जो है वो 5 करेंसीज पर के बेसिस पर कैलकुलेट होता था 7 टेनर्स के लिए, लेकिन जब फेज्ड रोल बैक आ गया, इसका अनाउंसमेंट हो गया, तो सिर्फ US डॉलर जो है उसके ही अकॉर्डिंग लीवर को कैलकुलेट किया जाता है। बेंचमार्क की तरह इसका यूज़ होता है, तो इसको बेंचमार्क की तरह यूज़ करते थे जिससे कि जो ट्रेड सेटलमेंट हैं फ्यूचर के वो हम सेटल कर सकें, ऑप्शन स्वैप्स इन सबको हम ग्लोबली सेटल कर सकें, ठीक है। ये यूज़ होता है कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए जैसे फ्लोटिंग रेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वेरिएबल रेट मॉर्गेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, तो ये जॉइंटली ओन्ड है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और ये क्या है, 2014 में बनी है अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक। अब इसका एम है कि इस डेवलप करना है और एडमिशन करना बेंचमार्क जो कि मनी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो बेंचमार्क्स हैं उसको ये डेवलप करते हैं और एडमिशन भी करते हैं, इसको RBI रेगुलेट करता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अच्छा, फाइनेंशियल बेंचमार्क होते क्या हैं इसको भी जान ही लेते हैं, तो फाइनेंशियल बेंचमार्क जो है ये वो इंडेक्सेस या वो वैल्यू या वो रेफरेंस रेट जो कि हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम प्राइसिंग कर पाएँ, सेटलमेंट कर पाएँ और वैल्यूएशन कर पाएँ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो होते हैं फाइनेंशियल बेंचमार्क्स। ओवर द काउंटर मार्केट की बात करें तो एक डिसेंट्रलाइज मार्केट होता है जहाँ पर जो है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ट्रेड स्टॉक कमोडिटी करेंसी ये सब जो है दो पार्टीज़ के बीच में डायरेक्टली कैरी आउट होती है, यहाँ पर कोई भी सेंट्रल एक्सचेंज या फिर ब्रोकर की ज़रूरत नहीं होती है।
अब लीवर के ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है? तो लीवर तो हमने देखा कि ब्रिटिश पाउंड से रिलेटेड था, तो ब्रिटेन से रिलेटेड था। अच्छा, और क्या है लीवर जैसे ही? और बेंचमार्क्स भी हैं, हाँ जी बहुत सारे हैं, तो इनमें से कोई भी एक हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला है यूएस का सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, जिसको हम SOFR बोलते हैं। यूरोप का है यूरोपियन इंटरबैंक ऑफर, जिसको यूरीवॉर बोल रहे हैं। जापान का है टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट, जिसको हम TWAR बोल रहे हैं। चाइना का है शंघाई इंटरबैंक ऑफर रेट, जिसको हम SHIWAR बोल रहे हैं। इंडिया का है मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, जिसको हम MIFOR बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी हम लीवर के अल्टरनेटिव में यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। तो RBI के अंडर, RBI का जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इसके अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, ओवरसीज यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड जो है इंडियन रेजिडेंट का, उसकी लिमिट सेट कर दी है, और वो लिमिट है $2,50,000। ठीक है, तो क्या हुआ है, समझ में आया क्यों है चर्चा में? चर्चा में इसलिए है क्योंकि RBI की जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, इस स्कीम के अंडर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि ओवरसीज जो यूज़ है क्रेडिट कार्ड का, कोई इंडियन रेजिडेंट अगर यूज़ करना चाहता है तो वो कितना हो गया है $2,50,000। ठीक है, और अगर हम बात करें तो अभी स्टेटस क्या है, अभी तक जो प्रोविज़न है हमारी फेमा में, ठीक है, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस रूल्स 2000, इसमें कहा है कि जो इंडिया का रेजिडेंट है, ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड का अगर यूज़ करना चाहता है फॉरेन ट्रेवलर पे, तो वो $2,50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो $2,50,000 से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता है, ये लिमिट है। डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन है अब्रॉड में, वो ऑलरेडी अकाउंटेड है LRS में। ठीक है, तो डेमोग्राफिक अफेक्टेड कौन कौन से अफेक्ट होंगे लोग, तो रेगुलेशन जो इम्पैक्ट करेगा स्पेंडिंग, जो हाई नेटवर्थ इंडियंस हैं, ठीक है, वो फॉरेन विजिट्स में जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो उन पर इसका इम्पैक्ट मिलेगा। फेम कैट रूल्स जो हैं ये लेकर आए हैं अंडर द फेमा एक्ट, हमें पता है 1999 का हमारा फेमा एक्ट, इस एक्ट के अंडर जितने भी इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज को किसी भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन वो ट्रांजेक्शन जिसमें क्या कर रहे हैं हम फॉरेन एक्सचेंज को विदड्रॉ कर रहे हैं वो प्रोहिबिट होंगे। ठीक है, विदड्रॉ नहीं कर सकते हम, खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। बैकग्राउंड क्या है इस LRS का, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 2004 में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हम जो एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है इसको लिबरलाइज करें और लोगों को फैसिलिटेट करें कि वो फंड्स को ट्रांसफ़र कर पाए अब्रॉड बहुत आसानी से। ठीक है, इसके अंडर जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं उनको कहा गया है कि फ्रीली वो $2,50,000 तक का रेमिटेंस हर साल इंडिया में रेमिट कर पाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल्स हैं उनको RBI की प्रायर परमिशन लेनी होगी ये रेमिटेशन, अगर उनको इससे ज़्यादा कहीं पर रेमिटेंस भेजनी है तो। स्कीम जो है अवेलेबल नहीं है कॉरपोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म, हफ और ट्रस्ट के लिए। रेमिटेंस जो है वो फ्रीली किसी भी फॉरेन कंट्री में हम डाल सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इंडिया के सिटीजन्स जो हैं, इंडिया के सिटीजन्स किसी और कंट्री में रेमिटेंस भेजना चाहते हैं तो $2,50,000 से ज़्यादा नहीं भेज सकते, इसमें बस यही बात कही गई है। अगर भेजना होगा तो परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी, RBI की। प्रोहिबिटेड रेमिटेंस और परमिशन रेमिटेंस क्या होते हैं, तो प्रोहिबिटेड रेमिटेंस जानते हैं पहले। तो अगर स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड अगर क्या है कि प्रोहिबिटेड है अंडर Schedule 1, ठीक है, या फिर रिस्ट्रिक्टेड है Schedule 2 के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रोहिबिटेड रेमिटेंस होता है। ये फॉरेक्स अब्रॉड में ट्रेडिंग के लिए होता है। कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस जो है कंट्रीज़ जो कि FATF ने आइडेंटिफाई की है वो भी प्रोहिबिटेड होंगे, या फिर वो सारे इंडिविजुअल्स एंटिटीज़ जिनको कहा गया है कि टेररिज्म की रिस्क कर सकते हैं तो वो भी रेमिटेंस को प्रोहिबिट कर सकते हैं, वो भी रेमिटेंस नहीं भेज सकते, या फिर दूसरे रेजिडेंट को हम गिफ्ट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में तो वो भी प्रोहिबिटेड है। परमिसिबल रेमिटेंस क्या है कि प्राइवेट विजिट किसी भी कंट्री में हम कर रहे हैं, नेपाल और भूटान के अलावा, गिफ्ट और डोनेशन, अब्रॉड जा रहे हैं हम एम्प्लॉयमेंट के लिए, इमिग्रेशन कर रहे हैं, क्लोज रिलेटिव के यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, फिर ट्रैवल है कर रहे हैं बिजनेस के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, फिर पढ़ने जा रहे हैं, तो ये रेमिटेंसेज जो हैं ये परमिसिबल हैं।
नेक्स्ट है इंश्योरेंस सेक्टर। तो अभी हुआ क्या है कि जो हमारी IRDAI है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चीफ ने कहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कि वो एक प्लान को इंट्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, जिसमें क्या होगा जनरल और लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स जो हैं उनके लिए एक प्लान लेकर ये आए हैं, ठीक है, और इसका नाम होगा बीमा ट्रिनिटी। तो ये प्लान लेकर आए हैं जिसमें जनरल इंश्योरेंस भी होगा और लाइफ इंश्योरेंस भी होगा, ठीक। बीमा ट्रिनिटी क्या है, इसमें जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक। बीमा वाहक जो है ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। बीमा सुगम क्या है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इंश्योरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर पाएंगे, वन स्टॉप शॉप की तरह काम करेगा कस्टमर्स के लिए, जो कि क्या कर पाएंगे लेटर स्टेज में सर्विसेज रिक्वेस्ट को भी परसू कर सकते हैं, सेटलमेंट भी इनका क्लेम हो जाएगा, इनका क्लेम का सेटलमेंट भी इसी पोर्टल से हो जाएगा। बीमा विस्तार की बात करें तो ये बंडल्ड रिस्क कवर है लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी और कैजुअलिटीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि डिफाइंड बेनिफिट्स होंगे हर रिस्क के लिए, जो कि पेड आउट करे जाएंगे फास्टर तरीके से। बीमा वाहक क्या है, तो ये बीमन सेंट्रिक वर्क फोर्स है, हर ग्राम सभा में ये वर्क फोर्स होगी जो कि बीमन हेड्स द्वारा मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मीटिंग किससे मिलेगी, जाकर बीमन हेड्स से, ठीक है, और उनको कन्विंस करेगी कि आप जो है कंपोजिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट लीजिए, इसके बेनिफिट्स को भी वो समझाएगी। ड्राफ्ट गाइडलाइंस क्या क्या हैं बीमा वाहक के लिए, चलो जानते हैं। तो IRDAI है, उसने इशू करे हैं ड्राफ्ट गाइडलाइंस बीमा वाहक के लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा बीमा वाहक गाइडलाइंस का, जिस ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इनको डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो इस्टेब्लिश करना है, जिसका फोकस होगा इंश्योरेंस इंक्लूजन पर। इसका एम ये भी है कि एसेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी है इंश्योरेंस की, वो हर दुनिया हर कंट्री के मतलब कंट्री के हर एक कोने तक इस अवेलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी को पहुँचाना है। गाइडलाइंस जो है वो दो तरीके के बीमा वाहक को डिफाइन करती है, एक है कॉरपोरेट और एक है इंडिविजुअल। कॉरपोरेट में लीगल एंटिटीज जो है इंडियन लॉज के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इंश्योरेंस जो है उनके उनसे इंगेज्ड हो, और इंडिविजुअल में क्या है कि इंश्योरर जो है जिनको इंश्योरर ने अपॉइंट किया है या फिर कॉरपोरेट बीमा वाहक के द्वारा ये अपॉइंटेड है। इसको क्या है क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो ये कलेक्टिंग प्रपोजल इन्फॉर्मेशन, KYC कराएंगे, कोऑर्डिनेशन सपोर्ट करेंगे, पॉलिसी में क्लेम जो है वो भी सेटलमेंट कराएंगे। दूसरे मेजर्स क्या क्या प्रपोज किए गए हैं, तो स्टेट लेवल कमिटी एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज, ठीक है। IRDAI जो है वो कंसीडर कर रहा है कि वो स्टेट लेवल इंश्योरेंस कमिटीज़ भी बनाएगा, कोलैबोरेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में, और ये जो कमिटीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स भी प्रोवाइड करेंगी, जिससे कि लोकलाइज्ड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस भी मिल सकें पॉपुलेशन के लिए। नई वैल्यू एडेड सर्विसेज भी हैं, IRDAI ने प्रपोज किया है कि अमेंडमेंट्स करेगा इंश्योरेंस लॉज में, जिससे कि जो इंश्योरर्स हैं उनको इनेबल किया जाएगा कि वो वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे जिम है, योगा मेंबरशिप है, ये सब भी प्रोवाइड कर सके। अभी इंश्योरेंस सेक्टर के अगर हम स्टेटस की बात करें, टोटल प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल प्रीमियम को देखें तो 10th लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली, ठीक है। तो हमारी इंडिया की जो टोटल प्रीमियम मार्केट है वो 10th लार्जेस्ट मार्केट है, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट भी बनकर आ रही है। फिर इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करें तो ये डेंसिटी है ये बढ़ गई है, ठीक है। पहले अगर हम बात करें 2001 में कितना था, तो $11.1 था, जो कि अब $91 हो गया है 2021 में। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो इंडिया में अब ये बढ़ रहा है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, 2000 में 2.7% था, 4.2% इंश्योरेंस हो रहा है, पेनिट्रेशन हो रहा है। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, ये हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस की इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो ये क्यों कर रही है ग्रो, पहली बात डेमोग्राफिक्स बहुत फेवरेबल है, 55% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एज ग्रुप में है 20-59 के, ठीक है, 2020 की अगर हम बात करें, और माना जा रहा है 2025 तक ये जो पॉपुलेशन है वो 56% हो जाएगी, जो कि यंग पॉपुलेशन है, और यंग पॉपुलेशन को इंश्योरेंस की वैल्यू पता है, दैट इज़ वाई वो इंश्योरेंस को प्रेफर कर रहे हैं। मिडिल क्लास का भी होता हुआ नजर आ रहा है, 2030 तक माना जा रहा है कि इंडिया में लगभग 140 मिलियन मिडिल क्लास इनकम जो है वो ऐड हो जाएगी, और 21 मिलियन हाई इनकम हाउसहोल्ड्स भी ऐड हो जाएंगे, और इससे इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ेगी। डिजिटल बिहेवियर पैटर्न्स भी देखा जा रहा है, तो एजेंट्स जो है वो सिटीजन को बहुत ही इजीली जो है
एजेंट का ईज और सिटीजन का ईज डिजिटल टूल को लेकर काफ़ी ग्रो हो गया है। 50% जो हैं लोग वो अब क्या कर रहे हैं, वर्चुअल रिन्यूएबल करा पाते हैं। पैंडेमिक रिलेटेड शिफ्ट भी होगी डिमांड पैटर्न में। COVID-19 की वजह से लोग जो हैं अब वो कर रहे हैं बीमा का सहारा ले रहे हैं, वो बीमा करवाने का सोचते हैं और करवाते भी हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारी IRDAI है ये क्या है, जिसको मिर्डा बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। ये एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कि IRDAI एक्ट 1999 से बनी है। मैंडेट की बात करें तो ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, इंटरेस्ट जो है हमारे पॉलिसी होल्डर्स के उनको बचाती है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स को रेगुलेट करती है इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, और इंस्पेक्शन करती है, इंक्वायरी कंडक्ट करती है इंश्योरेंस बिजनेस में जो जो एंटिटीज़ कनेक्टेड हैं उनकी, ठीक है। कौन सी एंटिटीज़ को ये रेगुलेट करती है, तो LIC को, GIC को, री इंश्योरेंस कंपनीज को, जनरल एजेंसी चैनल को और इंटरमीडियरीज को ये रेगुलेट करती हुई नज़र आती है। अब बेनिफिट क्या होते हैं बीमा ट्रिनिटी के, तो अफोर्डेबल बंडल प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इंश्योरेंस कवरेज भी ज़्यादा बढ़ता है, क्लेम सेटलमेंट ईजिली हो जाएंगे और डिफ्रेंशिएशन भी आएगा इंडस्ट्री में, तो ये कुछ बेनिफिट हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि रेशियो, कितने टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसका रेशियो हम देखते हैं टोटल GDP से, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम अपॉन टोटल GDP ये होता है पेनिट्रेशन। डेंसिटी की बात करें तो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम अपॉन पॉपुलेशन, ठीक। अब इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंज नहीं है, यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं और जिसको फेस करती हैं हमारी कंपनीज, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं चलो जानते हैं। सबसे पहली बात जो है इनफ्लेक्सिबल पॉलिसी टर्म्स, पॉलिसी टर्म्स हैं वो बहुत रिजिड होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में एम्बिग्युटी बनी रहती है, फिर सिग्निफिकेंट गैप है इंश्योरेंस कवरेज का, रूरल पार्टिसिपेशन अभी भी कम है और कंज्यूमर अवेयर नहीं है, कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए 50,000 हर साल, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर हम देखते हैं कि चैलेंजेस यहाँ पर है। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर है श्योरिटी बॉन्ड, ये क्या होता है, तो IRDAI जो है उसने कुछ नॉर्म्स जो हैं वो रिलैक्स कर दिए हैं श्योरिटी बॉन्ड्स के लिए, जिससे कि जो श्योरिटी इंश्योरेंस मार्केट है वो बढ़े, ठीक है। श्योरिटी बॉन्ड्स क्या है, एक तरीके के इंश्योरेंस पॉलिसी हैं जो कि पार्टीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं जो कि ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में है, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट जाए तो इनको कोई नुकसान हो इससे ही बचाती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका काम ये है कि ये रिस्क मिटिगेशन टूल की तरह यूज़ होता है जो कि इंटीग्रिटी, क्वालिटी एंड एडेरेंस कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स में बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं IIB की, दैट इज़ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया है IRDAI ने 2009 में और फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया है 2010 में। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है और ये एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है अंडर द आंध्र प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2012 है। ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जो कि रिपोजिटरी को मेनटेन करता है, एनालिटिक करता है इंश्योरेंस सेक्टर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्यों है चर्चा में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जिसको अभी हमारे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जब हुआ था तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हाईलाइट किया गया और इससे कंसर्न्स जो हैं वो हमने देखे कि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसकी एबिलिटी को हम अच्छे से यूज़ कर नहीं पा रहे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यूथ में अर्बन इंडिया में वो तो कम हुआ है, लेकिन 17.5% लगभग 17.5% का ये रहा है थर्ड क्वार्टर में, ठीक है। तो फोर्थ क्वार्टर में तक तो थोड़ा कम होता हुआ नज़र आया, बट थर्ड क्वार्टर तक तो ये ज़्यादा ही था। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जो जम्मू एंड कश्मीर जैसे हमारी जगह जो हैं वहाँ पर लगभग 30% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमने देखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल जो कि हो सकती है अगर फेवरेबल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हो एक पॉपुलेशन में। इसमें माना जाता है कि एक कंट्री जो है जिसकी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा लोग वर्किंग एज में आते हैं, जैसे कि जिनकी एज 15 से 64 साल तक की है, ऐसे लोग ज़्यादा हैं, तो वो वहाँ पर जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी अच्छा है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा लोग कमाने वाले हैं तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होंगी और कंट्री में ग्रोथ होगी। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है मिड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के मिडल में है। फर्टिलिटी हमारी कम होती जा रही है, मीडियन एज बढ़ती जा रही है, फॉलिंग जो डिपेंडेंसी रेशियो भी कम हो रहा है, जो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की ग्रोथ की बात करें तो लेबर सप्लाई, इससे क्या होगा, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है मतलब ऐसे ज़्यादातर लोग हैं जो कि अभी काम करने की एज में है, ठीक है,
तो यंग जो लोग हैं तो यहाँ से लेबर सप्लाई अच्छे से हो जाएगी, और वो लोग जब कमाएंगे तो अच्छे से सेव भी करेंगे, ह्यूमन कैपिटल हमें अच्छे से मिल जाएगी और डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि अब वो जब कमाएंगे तो पैसा होगा तो उनकी डिमांड पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको रीप करने में चैलेंजेज है, जैसे कि इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है, जेंडर पैरिटीज देखने को मिलती है, सफिशियंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें जनरेट करनी पड़ेंगी, लोग तो काम करने के लिए तैयार हैं बट काम भी तो हो, ठीक है, इनकम गैप जो है वो वाइड हो जाएगा और हेल्थ केयर सर्विसेज की इतनी एक्सेस है नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी भी कम देखने को मिलती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ और एजुकेशन पर और ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है, लोगों को टेक्निक सिखाने की ज़रूरत है, उनकी हेल्थ पर अगर हम काम करेंगे वो लोग कम बीमार पड़ेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ाना होगा, ठीक है, बहुत सारी यंग वीमेन हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बट उनको हमने काम दिया ही नहीं, तो उनको काम जो है देना पड़ेगा, काम प्रोवाइड करना पड़ेगा। जेंडर बजटिंग कर सकते हैं, चाइल्ड केयर बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, टैक्स इंसेंटिव दे सकते हैं। गवर्नेंस में भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है, इफेक्टिव पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हमें करनी चाहिए, जिसमें जैसे कि माइग्रेशन, हेजिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, इन सब में भी हमें अच्छे से पॉलिसीज बनानी चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। जो स्किल गैप है, लोग काम करने के लिए तैयार हैं बट उन्हें काम करना ही नहीं आ रहा है क्योंकि उनके पास में स्किल नहीं है, तो वो स्किल प्रोवाइड कर दो, बात खत्म हो जाएगी। फॉरेन कैपिटल इनफ्लो को इनक्रेज करो, ठीक है, 33% जो अगर हम बात करें जीडीपी का, वो क्या है, हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो होना चाहिए, जिससे कि हमारी जॉब क्रिएशन का गोल अचीव हो पाए, बट ऐसा होता नहीं है, तो हमें ये काम करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर से ट्रांजिशन करवाओ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, और हमें इस तरीके की पॉलिसी चलानी चाहिए जिससे कि एग्रीकल्चर से लोग अगर उनमें स्किल है तो वो अपनी स्किल का यूज़ करें और जो है फॉर्मल सेक्टर में भी काम करें। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। फर्स्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड कब हुआ था, ये हुआ था जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन प्रोसेस ये हुई थी, जब वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में, और जो डिपेंडेंट्स हैं वो डिक्रीज होते हैं। सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड का रिजल्ट होता है कि अडल्ट लॉन्गेविटी इंक्रीज होती है, जिससे कि इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी ओल्ड एज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं, तो ये सेकेंड डिविडेंड हमारे इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है रूरलाइजेशन इन इंडिया। अभी तक हम अर्बनाइजेशन ये पढ़ते थे, आज हम पढ़ रहे हैं रूरलाइजेशन। तो ये रूरलाइजेशन क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। तो अभी देखा जा रहा है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से रूरलाइजेशन इंडिया में आ रहा है, मतलब कि अर्बन लोग जो मतलब लोग जा रहे हैं शहर में कि काम मिलेगा, और शहर में काम नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी बहुत फैल रही है, और इस वजह से रूरलाइजेशन इंडिया में देखने को मिल रहा है। इन जनरल अगर हम बात करें तो रूरलाइजेशन का मतलब होता है कि रूरल एरियाज में हम क्या कर रहे हैं, रूरल जनरेशन को जॉब प्रोवाइड करते हैं, फार्म्स प्रोवाइड करते हैं, तो लोग क्या हैं, लोग गए सर्च में, ठीक है, कि शहर में काम मिलेगा, शहर में काम मिला नहीं, अब वो कह रहे हैं इससे अच्छे तो हम अपने खेत में खेती करें जाकर गांव में, और फिर वो खेती की तरफ बढ़ गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं रूरलाइजेशन, ठीक है। एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया में इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी जो है हमारी इकोनॉमी की वो ख़त्म होती जा रही है, वर्कफोर्स जो शिफ्ट कर रही है रूरल इंडिया पर, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कम होता जा रहा है, और इससे जो पॉवर्टी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब अगर ये हो जाता है तो इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, तो हमें पता ही है इकोनॉमिक ग्रोथ कम से कम हो जाएगी, ठीक है, टैक्स पोटेंशियल भी कम हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स हैं उनको नई जॉब मिलेंगी नहीं, इनकम इनक्वालिटी बढ़ जाएगी, और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। इंडिकेशंस, अब हमें कैसे पता चलता है कि भाई रूरलाइजेशन होने लगा है, तो बहुत सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है, जो प्राइवेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम हो जाती है, और हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर अब 22 तक ये कम हो गई है, पहले 10.8% थी, अब ये 8.4% हो गई है। फिर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, चली जा रही है। अगर हमने हमारे जो RBI है उसने सर्वे किया था अर्बन हाउसहोल्ड्स का, इसमें इंडिकेट किया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट है और जो इनकम सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुई है कोविड लोस की वजह से, लेकिन ये वीक रही हैं प्री पैंडमिक
कि अगर हम एरिया से देखें प्री पैंडमिक के टाइम से ये अभी भी वीक है। वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ क्या होता है कि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, इससे क्या होगा पॉवर्टी कम हो जाएगी, इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, अर्बनाइजेशन होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन अब हमने देखा कि अर्बनाइजेशन का उल्टा हो रहा है यानी कि रूरलाइजेशन हो रहा है, तो इसमें जो कुछ चीज़ें हमने अभी पढ़ी है ना इसका उल्टा कर लो वो होने लगा है। वर्कफोर्स शिफ्ट हो जाएगी एग्रीकल्चर की तरफ, रूरलाइजेशन देखो गाँव को ना, जब हम गाँव के बारे में सोचते हैं गाँव का नाम लेते हैं तो हमें सबसे पहले क्या आता है गाँव में खेत नज़र आते हैं, खेत की इमेज बनती है। तो हाँ ऑब्वियसली जब वर्कफोर्स है वो गांव की तरफ बढ़ रही है तो वहाँ पर करेगी क्या, खेती ही करेगी, तो जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर वर्कफोर्स शिफ्ट हो जाती है। जो सीरियल्स है उसकी डिमांड फिर से बढ़ जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं रूरलाइजेशन की। अब रूरलाइजेशन ना हो इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए, जैसे कि PLI स्कीम लेकर आए हैं लगभग 14 सेक्टर्स में, PM सवा निधि लेकर आए हैं जिसमें हम वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, कि अर्बन एरियाज़ में वो लोग हैं अगर तो वो खेतों में जाकर काम ना करें बल्कि शहर में ही अपना काम कर ले, 10,000 रुपये तक का उनको लोन मिलता है। PM गति शक्ति लेकर आए हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। दीनदयाल अंत्योदय योजना लेकर आए हैं अर्बन लाइवलीहुड मिशंस के लिए जिससे पॉवर्टी को हम कम कर सकें। फिर है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज लेकर आए हैं जिसमें कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है लगभग 1 करोड़ रुपए तक का। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी लेकर आए हैं जिसमें MSMEs को कोलेट्रल फ्री लोन मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फूड स्टोरेज की इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया में फूड स्टोरेज जो है उसकी क्या हाल है चलो जानते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक कॉन्स्टिट्यूशन कि हमें क्या करना है, जो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी बनाई जाएगी और वो क्या करेगी, वो दुनिया का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान बनाएगी कोऑपरेटिव सेक्टर में, तो इसका अप्रूवल हमारा मिल चुका है। एम क्या है, एम ये है, प्लान का फोकस यही है कि हम फूड सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन कर पाएँ, जो फूड की वेस्टेज होती है इसको कम से कम करें और फार्मर्स को एम्पावर करें कि वो गोडाउन्स और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें कहाँ पर, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के लेवल पर। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी के द्वारा जिसको बनाया जाएगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि टाइमली और यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन हो सके प्लान का प्रोफेशनल मैनर में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो है वो एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएगी 10 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। कवरेज की अगर हम बात करें तो ये कवरेज जो है स्कीम्स जो हैं कौन कौन सी इसमें कवर की जाएंगी इस पर अभी हम बात करेंगे। ये रही स्कीम्स जो कि इस प्लान में कवर की जाएंगी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम्स कौन कौन सी हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये इसमें इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट जो फूड प्रोसेसिंग की मिनिस्ट्री है उसकी कौन कौन सी स्कीम्स इसमें इंक्लूड की जाएंगी, तो है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम एंड प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये भी इसी में कन्वर्ज कर ली जाएगी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से इसकी जो स्कीम है एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर दी NFSA और आपका प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस एट MSP ये भी इसी में इंक्लूड कर ली जाएंगी, ठीक है। फूड ग्रेन मैनेजमेंट इंडिया में होता कैसे है चलो जानते हैं। टोटल प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर होता है 3100,000 टन का, ठीक है, एक साल में 3100,000 टन का फूड प्रोड्यूस होता है इंडिया में, ठीक है। फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म क्या है, कैसे प्रोक्योर किया जाता है, तो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम है जहां पर जो है सेंट्रल पूल में प्रोक्योर किया जाता है फूड ग्रेन्स को अंडर दी FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि डायरेक्टली कर सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज भी फूड को ले पाएंगी, प्रोक्योर कर पाती हैं फार्मर्स से। फिर डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम जो है 1997 में इंट्रोड्यूस की गई जिसमें फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अब प्रोक्योर कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है FCI के थ्रू क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है प्रोक्योरमेंट के लिए, स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, और वो फूड ग्रेन्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि स्टेट की क्या रहती हैं कि एलिजिबल फैमिलीज़
ठीक है, राशन कार्ड देना उनको और फेयर प्राइस शॉप जो है उनकी फंक्शनिंग को देखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की। अब जो है फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहली बात कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है वो डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास में अच्छा स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। तो फार्मर, जैसे कि हमारे फार्मर्स हैं और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, उनको लिंक करने के लिए ज़रूरी है कि स्टोरेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। स्टोरेज सिस्टम हमारे पास में बहुत कम है, लगभग 70% जो टोटल प्रोडक्शन है हमारे फूड जो ग्रेन मिलते हैं वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, लगभग 70% जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो वेस्ट हो जा रहे हैं क्योंकि स्टोरेज की कैपेसिटी हमारे पास में है नहीं। स्टोरेज मैनेजमेंट भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है, ये इम्प्रॉपर है। जैसे कि ये बाहर पड़े रहते हैं और सड़ जाते हैं, इसमें चूहे हैं या फिर कोई कीड़े मकोड़े हैं वो उनको खा रहे हैं, वो सड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं कि हमारा जो अनाज है वो सड़ रहा है जस्ट बिकॉज हम इसको ढंग से स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। 80% जो हैंडलिंग है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, वो मैकेनाइज नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड से ही लोडिंग अनलोडिंग और जो भी हमारी हैंडलिंग है फूड ग्रेन्स की वो होती है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। कोल्ड स्टोरेज जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है, और वो भी लिमिटेड है उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे एरिया में। अब देखो फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें ना, तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ता ही जा रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ता ही जा रहा है हमेशा, देखो हर साल दर साल की प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसको स्टोर करने का भी हमारे पास में कुछ साधन होना चाहिए जो अब हम बना रहे हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं कि हम ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी कैसे और बढ़ा सकते हैं? तो नेशनल पॉलिसी ऑन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स 2000, ये पॉलिसी लेकर आए हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स के स्टोरेज को लेकर काम कर रहे हैं। ग्रामीण भंडारण योजना लेकर आए हैं, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 लेकर आए हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम लेकर आए हैं और पीएम किसान संपदा योजना लेकर आए हैं। ये कहीं ना कहीं सारी स्कीम्स जो हैं, इनिशिएटिव्स हैं, ये हमारे फूड ग्रेन के स्टोरेज से लेकर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है सिटीज 2.0। तो अब ये चर्चा में क्यों है? तो हमारी सरकार ने अप्रूव किया सेकेंड फेज ऑफ सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, अब सिटीज क्या होती हैं? तो ये पार्ट है स्मार्ट सिटी मिशन का। सिटीज को हम कह सकते हैं सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन, ये सब कंपोनेंट है हमारे जो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसी का एक कंपोनेंट है। ठीक है, 2018 में ये लॉन्च हुआ था। कंपोनेंट्स क्या थे? सिटीज 1.0 के, तो 12 सिटी लेवल प्रोजेक्ट्स थे। कैपेसिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी थी ओडिशा में और प्रमोट करना था इंटीग्रेटेड अर्बन मैनेजमेंट नेशनल लेवल पर। स्मार्ट सिटीज मिशन की अगर हम बात करें तो ये अर्बन रिन्यूएबल और रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम है, 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसका एम यही है कि स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करना है और उनको सिटीजन फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाना है। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। अब कौन कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं? तो सिटीज़ एक जॉइंट प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। ठीक है, फिर एजेंसीज फ्रेंकाइसी डेवलपमेंट और आपका जो KFW है, जो जर्मनी की कंपनी है, यूरोपियन यूनियन और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, इन सब का एक जॉइंट प्रोग्राम है। इसको कोऑर्डिनेट और मैनेज किया जा रहा है प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का, जो कि हमारा NIU यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो न्यू दिल्ली में है, उसके द्वारा ही ये मैनेज किया जा रहा है। इसका एम क्या है? एम है कि हम सबसे पहले तो सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि उनको कैसे डेवलप करना है, इनोवेशन सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाने हैं। होलिस्टिक अप्रोच है, जो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट हैं वो इम्प्रूव करेंगे सस्टेनेबल मोबिलिटी को, इंक्रीज करेंगे पब्लिक ओपन स्पेसेस को, ICT मेजर जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें और इम्प्रूव की जाएगी, सपोर्ट करेंगे डाइवर्सिटी को, फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल एक्सपर्टीज और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे जिससे कि प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो। फेज़ टू क्या है सिटीज़ का? तो इसमें एडिशनल ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे कॉम्पिटिटिवली सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को, जिससे कि सर्कुलर इकोनॉमी भी हमारी प्रमोट हो। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट को हम लेकर आएंगे, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शंस होंगे स्टेट लेवल पर और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड नॉलेज डिसेमिनेशन होगा नेशनल लेवल पर। कितने सिटीज़ इसमें हैं? तो इसमें अब 18 सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा। फंडिंग की बात करें तो लगभग 1760 करोड़ रुपीज़ का लोन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और यूरोपियन यूनियन 106 करोड़ जो है उसकी ग्रांट देगा।
तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसमें है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा सिटीज़ के लिए कि प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाए क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए, ठीक है। फिर है ऑल स्टेट्स और यूटीज जो हैं वो एलिजिबल होंगे कि वो ऑन डिमांड बेसिस पर सपोर्ट ले सकती हैं। इंटरवेंशंस होंगे तीनों लेवल पर, सेंटर स्टेट एंड सिटी लेवल पर इंटरवेंशंस भी होंगे क्लाइमेट गवर्नेंस को लेकर। थीमेटिक फोकस एरिया कहाँ कहाँ पर फोकस किया जाएगा इन मिशंस में इस स्कीम के अंडर, तो इसमें है सस्टेनेबल मोबिलिटी पर फोकस किया जाएगा, पब्लिक ओपन स्पेसिस के लिए एंड अर्बन ई गवर्नेंस एंड ICT, और लास्ट है सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन इन लो इनकम सेटलमेंट्स। अब कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले है सरप्लस ट्रांसफ़र बाय RBI। RBI जो है लगभग 87,416 करोड़ रुपीज़ जो है वो सरप्लस के तौर पर ट्रांसफ़र करेगा यूनियन गवर्नमेंट को 2022-23 के लिए। ये 188% का जंप हमने देखने को मिला है 2021 से अगर हम कंपेयर करें तो। अब इतना सरप्लस क्यों जनरेट हो गया RBI के पास में, तो इसमें क्या है कि हायर अर्निंग्स हमें मिली हैं फॉरेक्स को सेल पर, बेटर रिटर्न्स मिले हैं फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। रिवैल्यूएशन जो है फॉरेक्स एसेट का तब सरप्लस जनरेट हुआ। जो रिजर्व्स में एडजस्टमेंट किए गए हैं जो जलन कमिटी रिकमेंडेशंस के बेसिस पर, तब हमें और ज़्यादा सरप्लस यहाँ पर जनरेट हुआ है। देखा जाए तो RBI जो है उसको इनकम टैक्स पे करना होता नहीं है। जितना भी सरप्लस अमाउंट होता है RBI के पास में वो क्या करता है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, और ये सब RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग होता है। RBI का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम है अगर हम देखें इसकी इनकम से कंपेयर करें तो, इसीलिए यहाँ पर सरप्लस जनरेट हो जाता है। अर्लियर अगर हम देखें तो अर्लियर जो है RBI का ज़्यादातर जो सरप्लस जनरेट होता था वो इसके कंटिंजेंसी फंड एसेट डेवलपमेंट फंड में डाल देता था, लेकिन अब क्या हुआ, मालेगांव कमेटी बनी थी 2013 में, उसने कहा उसकी रिकमेंडेशन के बाद में क्या हुआ, और रिवाइज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो बिमल जलन कमेटी के द्वारा, अब ये क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अगर सरप्लस चला जाता है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स को मेंटेन किया जा सकता है, इंटरेस्ट रेट को लो रख सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू में अगर उसके कुछ कमी आती है, टैक्स कलेक्शन में कमी आती है, तो वो ही पूर्ति कर सकता है। कंसर्न्स क्या हैं, तो हमें एडिक्वेट कंटिजेंसी फंड बनाए रखना है RBI के पास में, जिससे कि अगर कभी फाइनेंशियल शॉक आए या फिर RBI की जो ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करने के लिए हमें फ़ंड जो है वो चाहिए होगा। अगर हम फंड देखें तो पहले अगर हम देखें 2010 में सिर्फ 15,000 का फंड था, और अगर हम 2020 में देखें तो कितना ज़्यादा है, 99,000 का फंड जो है वो हम देखने को मिला है। नेक्स्ट है जो 2000 नोट्स हैं वो सर्कुलेशन से विड्रॉ हो चुके हैं। RBI ने डिसाइड किया था कि 2000 के जो नोट्स हैं वो सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिए जाएंगे, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं वो लीगल टेंडर रहेंगे। एग्जिस्टिंग 2000 नोट्स जो हैं वो डिपॉजिट किए जा सकते हैं, और क्या हो सकता है किसी बैंक में एक्सचेंज हम कर सकते हैं 30 सितंबर 2023 तक। नॉन अकाउंट होल्डर भी जाकर किसी बैंक ब्रांच से वो पैसे को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास में बैंक अकाउंट ही नहीं है बट उसके पास में 2000 का नोट है, तो वो किसी भी बैंक में जाकर 2000 का नोट चेंज कर सकता है। डिपॉजिट अगर हम कर रहे हैं बैंक अकाउंट में तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि हमें KYC जो है वो तो करनी है, KYC नॉर्म्स के अलावा कोई भी और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगेगी। लेकिन अब क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि 2000 का नोट क्यों हमने विथड्रॉ करा। 2000 का नोट जो है 2016 में इंट्रोड्यूस किया था अंडर द सेक्शन 24 क्लॉज 1 ऑफ द RBI एक्ट 1934, जिससे कि जो करेंसी रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी की वो हमें पूरी करनी थी, क्योंकि हमने क्या करा था, डिमोनेटाइजेशन कर दिया था 500 और 1000 के नोट का। अब 500 और 1000 नोट जो है एकदम से इकोनॉमी से गायब हो गए थे, तो एकदम से क्या हुआ था कि गैप आ गया था मनी सप्लाई में, उसको पूरा करने के लिए ही 2000 का नोट जो है वो आया था रोल में। अब जो है नोट जो है दूसरे डिनोमिनेशन के अवेलेबल हो गए एडिक्वेट क्वान्टिटीज़ में, तब 2000 के नोट जो है वो प्रिंटिंग उसकी 2018 में ही बंद करवा दी गई थी। ये जो डिनोमिनेशन है ये नो लॉन्गर अब कॉमनली यूज़ होता है ट्रांजेक्शन, अब तो 2000 का नोट हम ज़्यादातर ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ भी नहीं करते, इसीलिए जो विड्रॉल है RBI की क्लीन नोट पॉलिसी का उसके पार्ट के अंडर ये विड्रॉल किया जा रहा है। अब RBI की क्लीन नोट पॉलिसी क्या होती है, तो RBI की क्लीन नोट पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी 1999 में, जो कहती है कि गुड क्वालिटी की करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो हैं जिसमें बेटर सिक्योरिटी फीचर होने चाहिए वही जो है सर्कुलेशन में होना चाहिए, जो सॉइल्ड नोट्स हैं जो ख़राब नोट्स हैं उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए सर्कुलेशन से।
लीगल टेंडर क्या होता है? तो लीगल टेंडर का मतलब है कि एक स्पेसिफिक सबसेट है करेंसी का जो कि लीगली रिकॉग्निशन अपने पास में रखता है पेमेंट मेथड के लिए, ठीक है। ये लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों ही कैरेक्टर का हो सकता है। इंडिया में कॉइन्स जो है ये लिमिटेड लीगल टेंडर है और करेंसीज जो है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर 2022, इसको रिलीज़ किया है RBI ने। इसमें क्या होता है, इसमें एग्जामिन किया जाता है मैक्रो फाइनेंस इम्प्लीकेशन, जो क्लाइमेट चेंज है उसका मैक्रो फाइनेंस इम्प्लीकेशन इंडिया में क्या होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा क्लाइमेट चेंज का इंडिया पर, तो इससे क्या है कि लगभग 3-10% तक की GDP जो है 2100 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लूज़ कर देंगे। और इससे क्या होगा कि 34 मिलियन जो प्रोजेक्टेड हैं, 80 मिलियन ग्लोबल जॉब लॉस होगा, उसमें 34 मिलियन तो हीट स्ट्रेस से ही हमारी लूज़ हो जाएंगी। लगभग GDP का 4.5% तक वो रिस्क पर है 2030 के, कि यहाँ पर क्या है कि लॉस्ट लेबर आर्स एक्सट्रीम हीट ह्यूमिडिटी कंडीशन की वजह से क्या होगा कि 4.5% GDP हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड RBI, तो लोन्स दिए जा रहे हैं RBI के द्वारा PSL के अंडर, जिससे कि हम क्या कर सकें रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट कर पाएँ, ठीक है। ज्वाइंट नेटवर्क है फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का इशू किया जा रहा है। फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है फॉर मोबिलाइजिंग ग्रीन डिपॉजिट्स बाय रेगुलेटेड एंटिटीज। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड फाइनेंशियल सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो क्लाइमेट रिस्क के लिए और ज़्यादा हम कह सकते हैं वल्नरेबल हैं। प्राइवेट सेक्टर के मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल हैं वो हैं हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स। पॉलिसी ऑप्शंस टू मिटिगेट क्लाइमेट रिस्क, तो फिस्कल पॉलिसी इनिशिएटिव्स जैसे कि कार्बन प्राइसिंग यूजिंग कार्बन टैक्सेस, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ग्रीन टैक्सोनॉमी, ये सब हम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, मॉनेटरी पॉलिसी जैसे हमारी RBI की लेकर आता ही है, उससे भी हम ये काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन गोल्ड होल्डिंग्स। RBI और दूसरे सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, गोल्ड होल्डिंग्स को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। 2010 से बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेट बायर है गोल्ड का एनुअल बेसिस पर, ठीक है। इंडिया जो है लगभग जो 10 लार्जेस्ट ऑफिशियल बायर्स हैं गोल्ड के, उसमें इंडिया का भी नाम आता है। RBI का गोल्ड रिजर्व है वो 794.64 मीट्रिक टन हो गया था 2023 में। फिर रीजन्स, अब इतनी गोल्ड की होल्डिंग हम कर क्यों रहे हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको हम बैलेंस कर पाए। गोल्ड जो है वो रिस्क जो हमारी है करेंसी होल्डिंग को लेकर उसको मैनेज करता है और स्टेबिलिटी लेकर आता है अगर इकोनॉमिक टर्मोइल चलता हो तो। फिर है फियाट करेंसी के अगेंस्ट हम हेज कर पाएंगे। गोल्ड जो है वो हमें हेज प्रोवाइड करता है, जो करेंसीज अगर उनकी वैल्यू कम होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसकी जगह पर हम गोल्ड रख सकते हैं। डाइवर्सिफाई कर पाएगा हमारे पोर्टफोलियोज़ को। ये जो इंक्रीज हुई है होल्डिंग की, ये डिफरेंट है 1990s और 2000s की, जहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है वो नेट सेलर होते थे गोल्ड के, क्योंकि रीज़न क्या था कि गुड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस होती थी और डाउनवर्ड ट्रेंड था गोल्ड प्राइसेस का। लेकिन अभी क्या है कि हम गोल्ड को सेफ हेवन मानते हैं। अब सेंट्रल बैंक जो है ये गोल्ड की इनका एटीट्यूड है वो बदलने लगा 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं RBI के फॉरेक्स एक्सचेंज के, फॉरेक्स रिजर्व के, वो ये जानते हैं। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं गोल्ड, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, SDR कहाँ से रिलेटेड है, IMF से रिलेटेड है, रिजर्व पोजिशन IMF, तो ये जो है हमारे कंपोनेंट हैं रिजर्व के। नेक्स्ट है रिलेटेड न्यूज़ में, तो RBI के गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो टोटल गोल्ड रिजर्व जो है 800 टन तक के हो गए हैं। कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज होते जा रहे हैं पिछले 5 सालों से। ये क्या हो रहा है, इसे डाइवर्सिफाई हो रहा है अपने रिजर्व को, RBI जो है अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई कर रहा है। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक हमारी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, इसके लिए हमें चाहिए कि कोई हमें हैच मिल जाए इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में और ये जो हमारी अनस्टेबिलिटीज़ के अगेंस्ट में, जिसके लिए हम गोल्ड का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, तो बैंक्स जो हैं उन्होंने देखा 1 ईयर का एक्सटेंशन मांगा है RBI से, जिससे कि वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेस्ड लोन लॉस प्रोविजनिंग फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर पाए। जनवरी 2023 में RBI जो है वो ड्राफ्ट गाइडलाइंस लेकर आया था, जिसमें बोला गया था कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करनी है। ड्राफ्ट गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक्स जो हैं उनको 1 साल का पीरियड देना होगा, बैंक्स को 1 साल का पीरियड दिया जाएगा जब फाइनल गाइडलाइंस रिलीज होंगी, कि वो 1 साल के अंदर इनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अभी अगर हम बात करें तो बैंक्स जो हैं उनको लोन लॉस प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं इनकर्ड लॉस अप्रोच के
बेसिस पर। मतलब क्या कि जो लॉसेस जो हो चुके हैं उसके लिए उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ECL मेथड क्या है, इसमें एक्सेस करेंगे और एस्टिमेट करेंगे लॉस को, कि लॉस हुआ नहीं है उससे पहले ही हम उसको इम्प्लीमेंट हम उसको एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना लॉस यहाँ से हो सकता है। ठीक है, बैंक्स को रिक्वायर करना होगा फाइनेंशियल एसेट्स को तीन कैटेगरीज में, किसी एक कैटेगरी में वो अपने लॉस को डाल सकते हैं। पहला क्या कि फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो एसेट्स जिनमें क्या है कोई भी ज़्यादा क्रेडिट रिस्क है नहीं। दूसरे ऐसे हैं जिसमें क्रेडिट रिस्क तो है लेकिन वो रिस्क वो हमारा जो एसेट है जो हमने दिया लोन वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और रिटर्न आएगा ही नहीं, ये संभावना कम है। तीसरा तो ऐसा है कि आप जो है हमारा जो लोन दिया था वापस आएगा नहीं, तो इनमें आपको कैटेगराइज करना होगा। नेक्स्ट है एंजल टैक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने प्रपोज किया है चेंजेस एंजल टैक्सेशन में और नोटिफाई किया है फॉरेन एंटिटीज़ को कि कौन सी फॉरेन एंटिटीज़ हैं जो कि ये टैक्स प्रोविजन से एग्जेंट रहेंगे। एंजल टैक्स की बात करें तो 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब है टैक्स जो कि हम लेवी करते हैं कैपिटल पर जो कि अनलिस्टेड कंपनीज़ के द्वारा रेस की गई हो। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो जनरेशन है अनअकाउंटेड मनी का वो हम रोक सकें। ठीक है, 2023 के बजट प्रपोजल से पहले एंजल टैक्स प्रोविजन जो हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो कि रेजिडेंट इन्वेस्टर से मिला हो उसी पर लगता था, लेकिन अब ये नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स पर भी लागू है। नेक्स्ट है PLI 2.0 फॉर IT हार्डवेयर स्कीम। तो मीति ने नोटिफाई किया PLI 2.0 IT हार्डवेयर स्कीम के लिए। PLI स्कीम जो है 2.0 IT हार्डवेयर की, इसको अप्रूव किया है कैबिनेट ने जिससे कि हम जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है और एक्सपोर्ट है इसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। PLI 1.0 जो है हार्डवेयर के लिए IT हार्डवेयर के लिए 2021 में लॉन्च किया गया था। इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वो बढ़ा है, पहले 1.2% था और अब ये 3.75% हो चुका है। इस स्कीम की अगर हम की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या एक फाइनेंशियल इंसेंटिव का को प्रपोज किया जा रहा है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ सके। लैपटॉप्स टैबलेट ऑल इन वन PC सर्वर अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर इन सब को बनाने में इसका यूज़ होगा। टेन्योर क्या है तो 6 साल तक के लिए ये लोन मिलेगा। 17,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बजटरी हमें यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं इस PLI स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब एक कंपनी को इंसेंटिव कैसे मिलेगा तो ये एप्लीकेबल होगा नेट इंक्रीमेंटल सेल्स पर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की ओवर द बेस ईयर 2022, यानी कि 2022 से इनकी सेल कितनी बढ़ रही है उसके मुताबिक होगा। ठीक है, ग्लोबल कंपनीज़ को 4,500 करोड़ रुपए एक साल में बढ़ाने हैं, हाइब्रिड कंपनीज़ को 2,250 करोड़ रुपए और डोमेस्टिक कंपनीज़ को 500 करोड़ रुपए अगर एक साल में उन्होंने इंक्रीज़ किए हैं सेल्स से तो यहाँ पर उनको PLI स्कीम से मदद मिलेगी। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स जो हैं वो क्या क्या होंगे तो टोटल प्रोडक्शन जो है 3.35 लाख करोड़ का होगा जिससे एडिशनल इन्वेस्टमेंट 2,430 करोड़ का होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स के और इससे 75,000 एडिशनल जॉब्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास फर्स्ट स्कीम। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है विवाद से विश्वास। ठीक है, जिससे कि जो MSMEs हैं उनको रिलीफ मिले COVID-19 के पीरियड में। ठीक है, स्कीम जो है 2023 के बजट में अनाउंस की गई थी और ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसके अंडर मिनिस्ट्री जो है उनको रिफंड कर दिया जाएगा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बिट सिक्योरिटी लिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि फोरफीट हुई थी ड्यूरिंग द COVID-19। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज़ स्कीम। स्कीम को लॉन्च किया गया है एक एम के साथ में कि हमें क्या करना है मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स को स्ट्रेंथन करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ में इस्टेब्लिश करेंगे और ज़्यादा टेस्टिंग लैब्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस। इंडियन इंडस्ट्री जो है अभी 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, एशियन मेडिकल डिवाइसेस मार्केट है, जापान चाइना और साउथ कोरिया के बाद में हमारा ही नंबर आता है। लेकिन सिग्निफिकेंट प्रेजेंस जो है बहुत सारी MNCs की, लगभग 75 से 80% जो सेल्स है वो इम्पोर्टेड मेडिकल डिवाइसेस से यहाँ पर होती है। स्कीम जो है ये है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। टेन्योर है 2023 से 2026। ठीक है, दो कंपोनेंट हैं इसके। पहला है असिस्टेंस फॉर कॉमन फैसिलिटी जिससे कि मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स को स्ट्रेंथन कर सकें, उसकी कैपेसिटी और ज़्यादा हम बढ़ा सकें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब इंसेंटिव्स क्या हैं तो लिमिट करेंगे, सपोर्ट बिल जो है वो 70% की दी जाएगी जिसकी कॉस्ट 20 करोड़ तक की हो सकती है। तो ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी
सपोर्ट बिल जो है 70% हो या फिर कॉस्ट जो है 20 करोड़, इसमें से जो भी कम होगी उतनी सपोर्ट हम यहाँ पर देंगे। और हम अगर हिमालयन रीजन के जो स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो ग्रांट इन एड है वो 20 करोड़ पर क्लस्टर यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। असिस्टेंस फॉर टेस्टिंग फैसिलिटीज़, तो यहाँ पर जो है मोर मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लैब्स बनाने के लिए यहाँ पर मदद मिलेगी। तो सपोर्ट बिल जो है सपोर्ट की लिमिट है वो कितनी रहेगी, 70%, या तो जो टेस्टिंग फैसिलिटी की प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 70% हो या फिर 5 करोड़, जो भी कम होगी उतनी यहाँ पर मदद मिलेगी। फिर है ई अपील्स स्कीम, तो जो हमारा CVDT है उसने नोटिफाई किया है ई अपील्स स्कीम 2023 को, जिससे कि जो अपील्स की पेंडेंसी है इनकम टैक्स कमिश्नर के लेवल पर वो कम करें हम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अग्रीव्ड एसएससी है वो अपील कर सकता है कुछ ऑर्डर्स का बिफोर ज्वाइंट कमिश्नर्स, ठीक है। पर्सन जो है उसको चाहिए नहीं है कि वो अपीयर हो पर्सनली, ऐसे ही हो जाएगा ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। अपीलेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है एक पर्सनल हियरिंग को, अगर वो पर्सनल हियरिंग चाहता है तो पर्सनल हियरिंग की भी वो रिक्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उसने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस जो है वो वेव ऑफ कर दिए हैं, ठीक है, 25 सालों के लिए। किस पर? ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया प्रोजेक्ट्स पर कंप्लीट वेवर जो है इसका इंटर स्टेट ट्रांसमिशन स्कीम चार्जेस का वो ऑफशोर विंड पावर के लिए दिया जाएगा, जो कि 31 दिसंबर 2032 से पहले तक कमीशन हो जाएंगे। लेकिन जो प्रोजेक्ट जो है 1 जनवरी 2033 में होंगे उसको ग्रेडेड यहाँ पर ISTS चार्जेस देने पड़ेंगे। कंप्लीट वेवर जो है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन यूनिट्स का जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं वो प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोजेक्ट्स जो कि कमीशन हो जाते हैं 31 दिसंबर 2030 से पहले या फिर उसी तारीख को, तो वो उनको ये वेवर मिलेगा। लेकिन उसके बाद में अगर प्रोजेक्ट्स हैं वो कमीशन होते हैं तो यहाँ पर ग्रेडेड ट्रांसमिशन चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट है, पहले जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर किया था वेवर ऑफ ISTS चार्जेस का ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से चलती हो। अभी वेवर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो वाइडर एग्जीक्यूशन हो जाएगा ऑफशोर विंड एनर्जी इनिशिएटिव्स का, एक्सपेंशन होगा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स का, और ऑफटेक हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन होती है जो कि हम वाटर से बनाते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करते हुए। ग्रीन अमोनिया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन से ही निकलती है जिसको हम ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, फ्यूल, फर्टिलाइजर के तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, ठीक है। तो ये ट्राई ने अभी रिलीज़ किया है, इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टेली कम्युनिकेशन मार्केट है जिसमें 117 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और 70 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर सिंप्लिसिटी कर रहे हैं, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहे हैं रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स में कंट्री के, जिससे कि जो बिजनेस की एबिलिटी है वो और ज़्यादा अच्छी हो, वो और अच्छे से ऑपरेट, स्टार्ट और ग्रो कर पाए, ठीक है। स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस को जिससे कि जो लाइफ साइकिल है बिजनेस की उसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकें। रिकमेंडेशंस क्या हैं? तो जितने भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक यूज़र फ्रेंडली, ट्रांसपेरेंट, रेस्पॉन्सिव सिंगल विंडो सिस्टम को अडॉप्ट करना है। हर मिनिस्ट्री को एक स्टैंडिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कमेटी बनानी है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो है वो ग्रांट होना चाहिए ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विस सेक्टर के लिए। परमिशन जो है कि लेइंग ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ सबमरीन केबल्स जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए सरल संचार पोर्टल पर। हमें डिफाइन करना है कुछ टर्म्स को जैसे डोमेस्टिक, इंटरनेशनल ट्रैफिक एक्सेट्रा, इसकी जो डेफिनेशन अभी तक टंकी नहीं है तो हमें डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। ट्राई क्या है? तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि ट्राई एक्ट 1997 के अंडर आई है जो कि रेगुलेट करती है टेलीकॉम सर्विसेज को हमारी इंडिया में। नेक्स्ट है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया है ओवर इंडियन रेलवेज, जिससे कि वोकल फॉर लोकल विजन को हम और प्रमोट कर सकें और एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटीज जो है मार्जिनल सेक्टर के लिए वो क्रिएट कर पाएँ। इस स्कीम के अंडर जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट जो है रेलवे स्टेशन पर अलॉट किए जाएंगे, जहाँ पर हम शोकेस करेंगे, सेल करेंगे और हाई विजिबिलिटी देंगे इंडिजीनियस लोकल प्रोडक्ट्स के लिए। जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल्स हैं वो डिज़ाइंड होंगी बाय द नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। और ये स्पेसिफिक है वन
स्टेशन वन प्रोडक्ट स्पेसिफिक होंगे उस प्लेस के लिए ही जहाँ पर इंडिजीनियस ट्राइब्स या हैंडलूम्स लोकल वीवर्स ने वो प्रोडक्ट बनाए होंगे। नेक्स्ट है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट, जिसको सी पेस बोल रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स लेकर आए हैं। ये इस्टेब्लिश की गई है जिससे कि हम हासिल फ्री फाइलिंग, टाइमली प्रोसेस बाउंड स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनीज जो है एमसीए रजिस्टर से कर पाएँ। ठीक है, सी पेस जो हेल्प करेगा जो स्ट्रेस है रजिस्ट्री पर वो कम करेगा और साथ ही साथ में रजिस्ट्री को क्लीन कर रखेगा, जो ज़्यादातर जो मीनिंगफुल डेटा है स्टेक होल्डर्स के लिए वो अवेलेबल रहेगा। ये सिचुएटेड है एट दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन हरियाणा। नेक्स्ट है हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने हरित सागर गाइडलाइंस जो है वो लॉन्च कर दी हैं, जिस जो कि विशेष करती हैं इकोसिस्टम डायनेमिक्स पोर्ट डेवलपमेंट में, ऑपरेशन में एंड मेंटेनेंस में। इस ये इंफेसिस डालती हैं कि हमको क्लीन ग्रीन एनर्जी का यूज़ करना है पोर्ट ऑपरेशन में, डेवलप करना है पोर्ट की कैपेबिलिटीज़ इन स्टोरिंग हैंडलिंग ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन फ्यूल्स, ग्रीन मेथनॉल, इथेनॉल एक्सेट्रा। अब गाइडलाइंस की अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो पोर्ट जो है उनको कम से कम 60% जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है वो रिन्यूएबल्स से मीट करनी है 2030 तक और 90% करनी है 2047 तक। ठीक है, पोर्ट जो है उनमें लगभग कम से कम एक तो एलएनजी बंकरिंग स्टेशन भी होनी चाहिए 2030 तक। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को भी लगाना है पोर्ट के अराउंड 2025 तक और जो ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव स्टैंडर्ड है उनको भी अडॉप्ट करना है। एस्पेक्ट जो है ग्रीन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के पोर्ट्स को लेकर वो भी हमें मानने होंगे। गाइडलाइंस की सिग्निफिकेंस ये है कि जीरो कार्बन एमिशन गोल को अचीव कर पाएंगे, जो इम्पैक्ट है बायोटिक कंपोनेंट का हार्बर सिस्टम है वो कम से कम होगा, SDGs को हम अचीव कर पाएंगे और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस जो है पोर्ट्स पर वो मानी जाएंगी। ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट जो है दो वर्टिकल्स है, ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव एंड स्वच्छ भारत अभियान। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंसी फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग है, पायलट प्रोजेक्ट है इंडिया में IMO ग्रीन वॉयस 2050 प्रोजेक्ट और ड्राफ्ट ग्रीन पोर्ट्स पॉलिसी भी है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है वो टर्न अराउंड टाइम उसका है जस्ट 22 आवर्स। ठीक है, जिससे कि हम टॉप परफॉर्मेंस में आते हैं। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, इसका मतलब जो वेसल है जो हमारी शिप है वो क्या कर रही है कि यहाँ से वो सामान लेकर गई, इस पोर्ट पर उतारा और फिर से यहाँ तक आ गई, तो ये जितना भी टाइम लगा इसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो JNP जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई में है, यहाँ पर लगभग 50% जो इतना भी कंटेनराइज कार्गो आता है उसका 50% इसी पोर्ट पर आता है, जो कि मेजर पोर्ट्स में हमारी गिनती जिसकी है। 2022 में JNP जो है ये पहला मेजर पोर्ट बना था जो कि 100% लैंड लॉर्ड पोर्ट है। नेक्स्ट है नीमेक्स WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने लॉन्च किया है रुपी डिनोमिनेटेड नीमेक्स WTI क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में। ये इसने एक्सपेंड किया है NSE प्रोडक्ट को क्योंकि ये ऑफर कर रहा है एनर्जी बास्केट में। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें हम कुछ भी कमोडिटी को बाय कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, एक स्पेसिफाइड टाइम पर फ्यूचर में वो काम करेंगे हम। ठीक है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो प्रॉफिट्स को रीप कर सकें, इन्वेस्ट करते हैं कमोडिटीज़ में और उनको खरीदते नहीं, बस उनको इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है उसको वो लेते हैं। बेनिफिट क्या होता है कि इससे ट्रेडिंग जो है कमोडिटी में वो बढ़ जाती है, कॉम्पिटिशन जो है मार्केट में कि हम क्या करेंगे कि हम कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा जब हमारे रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स बढ़ जाएंगे और इससे उनको बेनिफिट भी होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1992 में ये बना है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है और फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर उसमें हम देखें तो। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एक लाइट स्वीट क्रूड ऑयल है जो कि USA में एग्जैक्ट हम करते हैं, USA से हम निकालते हैं। ठीक है, और दो और बेंचमार्क्स क्या हैं, एक है बैरेंट क्रूड दुबई ओमान। ठीक है, फिर फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 इसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसका फोर्थ एडिशन जो है वो अभी आया है जो कि बताता है कि अगले आने वाले 5 सालों में जॉब्स और स्किल्स कैसे होंगी।
ये ट्रैक कर रहा है लेबर मार्केट इम्पैक्ट को जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और सप्लाई चेन शिफ्ट का पड़ रहा है हमारी जॉब्स पर। ठीक है, अब इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स निकाली हैं। इन्होंने कहा है कि जो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के की ड्राइवर्स हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रीन ट्रांजिशन, ये सब होते हुए नजर आएंगे। 44% जो वर्कर्स की स्किल हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगी। 61% इंडियन कंपनीज हैं वो क्या करेंगे, जॉब ग्रोथ करके लेकर आएंगे, जॉब ग्रोथ यहाँ पर होगी। 23% जॉब जो है अगले आने वाले 5 सालों में वो बदल जाएंगी। फिर है स्ट्रॉन्गेस्ट नेट जॉब क्रिएशन इफेक्ट जो है वो ग्रीन ट्रांजिशन, ब्रॉडर एप्लीकेशन ऑफ ESG स्टैंडर्ड, लोकलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन से होगा। जो वेरियर्स हैं बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन 2023-2027 वो क्या है कि स्किल गैप, ठीक है, स्किल गैप देखने को मिलेगा। फिर टैलेंट को हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ऐसे हैं जो बहुत रिजिड है। वर्कफोर्स स्ट्रेटजीज की बात करें तो इन्वेस्ट हमें करना होगा लर्निंग एंड ट्रेनिंग पर जॉब की, और ऑटोमेशन जो है वो बढ़ानी होगी। कॉन्ट्रैक्ट वर्क का यूज़ हम देखेंगे बढ़ रहा है और हायर सिग्निफिकेंटली हो जाएगा, परमानेंट हिसाब से ज़्यादा हम हायर करते हुए नज़र आएंगे। टॉप 10 स्किल्स क्या हैं 2023 की, चलो ये भी जानते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, रिजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। फिर है मोटिवेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, क्यूरियोसिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, डिपेंडेबिलिटी एंड अटेंशन टू डिटेल, एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस, क्वालिटी कंट्रोल। इसी के साथ में हमारी जो इकोनॉमिक है सारे करंट अफेयर्स से वो हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे और इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ।